पीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। क्योंकि यह एडवांस डिप्लोमा की क्लास चल रही है और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो आउटलुक है ना। कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था आउटलुक के बारे में और नोट्स तैयार करा था उसके बारे में, उसका यूज क्या है, क्या डिफरेंस है जीमेल और आउटलुक में, ये सारी चीजें। आपने ये भी देखा था कि आउटलुक को ईमेल क्लाइंट कहा गया था, है ना, क्योंकि ईमेल से ये इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए और ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए अपनी, क्योंकि सुबह क्लास में 10 बजे भी यही सेम टॉपिक चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले किसी की ईमेल आईडी लॉगिन है, उसको हम क्या करेंगे, लॉग आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करते हैं और किसी और की ईमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन किसी को ही आके लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी, क्योंकि क्लास उसी से पढ़ाना है, जल्दी करिए, टाइम नहीं। तुम ही करोगे, कर लीजिए जल्दी से। हेलो नहीं, लिखिए लिखिए, आप जल्दी करिए। आराम से बात नहीं करी जी, बताइए। हाँ अलग अलग सिस्टम पे हो सकता है, चांसेस है, ट्राई करिए। अलग अलग सिस्टम पे हो गया ना, बड़ा जी सर, इंटर मार पासवर्ड। तो दो काम करना है, सबसे पहले ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप वो हेडिंग बना लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन आप एमएस आउटलुक विथ ईमेल आईडी। जी नेक्स्ट पे नेक्स्ट। वो नहीं क्या आप करिए, ऐसे पढ़ाई हो रही होगी, तो आप लोगों को क्लास लाइव है, तो बंद कर देते हैं। चलिए, तो जैसे लॉग इन करेंगे, इन्होंने टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है वो, तो इसको पहले उसको वो करिए। तो दो काम भी करना है, पहला चीज कल मैंने लिखवाया था ना, IMAP याद आ रहा है, इंटरनेट क्या था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये था ना। और दूसरा था POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद था। तो पहले उस ऑप्शन को हमें इनेबल करना होगा। कैसे करेंगे, ईमेल आईडी आपकी लॉगिन हो चुकी है, आपको आना है सेटिंग में, ध्यान से देखिएगा, सेटिंग में आना है, TR सेटिंग में आना है, ठीक है। और यही एक ऑप्शन मिलेगा, फॉरवर्डिंग POP एंड IMAP, बस इस वाले सेक्शन में आना है और इसको क्या कर देना है, 11 का लेना है फॉर ऑल मेल के लिए, और इसको भी इनेबल कर देना है IMAP को। और इनेबल करने के बाद क्या करना है, सेव कर देना है, क्योंकि इन्होंने प्राइवेसी लगा रखी है, फिर सभी मांगेगा। हो गया, इनेबल हो गया। इनेबल करने के बाद से सुन लीजिएगा ध्यान से, इसको इनेबल करने के बाद से आपको ईमेल आईडी वाले सेक्शन पे यानी अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, मैनेजर गूगल अकाउंट में आना है और अपनी ईमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। क्या लगाना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसलिए आपको आना होगा सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी में आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने पहले से ऑन कर रखा है, जिनको नहीं पता होगा यहाँ से ऑन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे ना आप दोनों। अच्छा, ऑन करेंगे तो फिर से पासवर्ड मांगेगा आपसे, मैं एक बार ऑन ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, फिर से खोलो बाबू, टच करो, हो गया, होगा तभी हट जाएगा खुद ही, हो गया ना। और मैंने इसको क्या कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ, ठीक है। अभी फिर से मैं ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा, आप लोग को ऑन करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या करना है, ऑन करना है, ऑन होगा तभी काम कर पाएंगे, सिक्योरिटी में आना है। अभी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो चुका है, टर्न ऑफ हो चुका है, आज ही के डेट में 12:23 PM है ना। क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, फिर ऑन किया जाएगा। अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, मोबाइल नंबर यही है बाबू, 82 वाला,
और सेंड करेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपको अलाउ करेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए। अब उनके नंबर पे, रजिस्टर नंबर पे एक ओटीपी प्रोवाइड होगा, वन टाइम पासवर्ड, वो पासवर्ड हमें एंटर करना होगा। सही है, 86 है ना। नेक्स्ट, पासवर्ड गलत बोल रहे हो, बोलो 46 है ना, इसलिए मैं बोला देख लो तो करो, नहीं सही है। अब क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन आ गया क्या, टर्न ऑन का, सारे इनका बता भी रहा है, लॉगिन में ईमेल आईडी लॉगिन भी है रियलमी नार्जो 30 में, ठीक है ना, टर्न ऑन कर देंगे, ऑन हो गया। बस ऑन करने के बाद से इसको हमने बंद किया, ईमेल आईडी पे वापस आइए, और आने के बाद से आपको फिर से वही सेम सेटिंग पे, प्रोफाइल पे, मैनेजर गूगल अकाउंट पे, और यहाँ आने के बाद से रुक जाइएगा। अब सबसे पहले विंडो आर करना है और यहाँ टाइप करना है आउटलुक, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आउटलुक लिखेंगे, एमएस आउटलुक नहीं लिखेंगे, आउटलुक लिखेंगे। जैसे आउटलुक ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर मैसेज दिखा रहा हो, ऐसे मैसेज ऐसे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी किसी का कन्फिगर हो चुका है, ठीक है, समझ रहे बात को ना। अगर कन्फिगर नहीं होगा तो आपका पूरा ब्लैंक दिखाएगा, कैसे पता करेंगे कन्फिगर हुआ है, तो फाइल पे आएंगे तो यहाँ दिख जाएगा, तुरंत यहाँ दिखा देगा ऊपर की, हाँ एक ईमेल आईडी लॉगिन है यहाँ पे, या यहाँ से नहीं दिख रहा है तो अकाउंट सेटिंग में आइएगा, अकाउंट सेटिंग में आइएगा, यही दिखा देगा कि हाँ एक अजय पांडे के नाम से एक ईमेल आईडी एक्सेस की जा रही है इससे। तो अगर हम चाहें कि दो ईमेल आईडी एक्सेस करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, फाइल पे आइएगा, ऑलरेडी एक ही है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईमेल आईडी जो पहले से एक्सेस, उसको रिमूव कैसे करेंगे और दोबारा आपको अपना कैसे करेंगे, वो दोनों स्टेप देख लीजिए। तो दो तरीका है इस ईमेल आईडी को रिमूव करने का, फाइल पे आइए, अकाउंट सेटिंग पे आइए, अकाउंट सेटिंग पे आइए, इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, पहला स्टेप ये है। दूसरा तरीका है कि आप आ जाइए कंट्रोल पैनल पे, कहाँ पे, कंट्रोल पैनल पे, हो सकता है सबके में ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा हो, क्योंकि कई लोग में ऐसा हो गया होता है, कैटेगरी हो गई होती है तो नहीं दिखता है। आप यहाँ से आइकॉन चेंज करिए, आइकॉन, उसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, किसका, मेल का, इसके भीतर जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो ईमेल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, और तब जाके ये ऑप्शन खुल गया, देखो वही ऑप्शन यहाँ पे भी आया, आया कि नहीं आया, और रिमूव कर देंगे, तो ये बेहतर है कि वही वाला बेहतर है, वही है, इतना अंदर आने की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए ना, और सिले करके हम यही क्या कर लेंगे, रिमूव, और क्या कर देंगे, यस कर देंगे, रिमूव, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एक्सेस हो चुका है। अब ये करने के बाद देखिएगा, अब ओपन करिएगा इसको, अभी हट जाएगा ये, विंडो आर आउटलुक, खुलने दीजिए। अब उसमें जो ईमेल आईडी एक्सेस की गई थी वो हट गई, अब हम अपना ईमेल आईडी जो अभी लॉगिन किए हैं उससे हम काम करेंगे, देखिएगा सब खाली हो गया, हाँ, और ये आउटलुक जो पहले का था उसको बंद कर लीजिएगा, नहीं तो एक ही खुला है फिलहाल में, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कोई ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा होगा, दिखा रहा है, मेरा नो अकाउंट अवेलेबल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाइए। अब आपको क्या करना है, जो मैं बोला हूँ सिक्योरिटी वाला ऐप आइए, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा ही चुके हैं, लगा लिए ना, अब यहाँ सर्च करना है आपको ऐप पासवर्ड, तुरंत दिख जाएगा आपको ऐप पासवर्ड, दिख रहा है, क्लिक कर दे, नो टच करो, ये प्राइवेसी बार बार मांगती रहेगी जिसकी ईमेल आईडी में जिन्होंने लगा रखा है। अब यहाँ पूछ रहा है किस ऐप में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस ऐप में, क्या लिख देंगे यहाँ पे और कहाँ क्लिक कर देंगे, जैसे करेंगे तुमने एक पासवर्ड दिखाएगा, पासवर्ड को कर लीजिएगा कॉपी, क्या कर लीजिएगा कॉपी, इमिट जाता है, इसलिए विंडो आर नोटपैड ओपन करके उसी पे कर लीजिए पेस्ट, बस मिनिमाइज कर लीजिए और इसको क्या कर देंगे, डन कर देंगे, आपका ऐप पासवर्ड बन गया, यही पासवर्ड रहेगा, यही पासवर्ड लेके चलना होगा आपको। अब आप आ जाएंगे कहाँ पे, आउटलुक में, फाइल पे, यही एक ऑप्शन दिया हुआ क्या, चलिए जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस सबके सामने आए, पूछ रहा है आपका नाम क्या है, यहाँ नाम डालने से क्या, सुरेंद्र, सिंगल होता है, यही डबल आर होता है, मौर्य, और ईमेल एड्रेस में क्या करेंगे, ये जो ईमेल एड्रेस हमने लॉगिन कर रखा है यहीं से क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ लाके क्या कर देंगे, अब
पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड कहाँ जा देंगे, नोटपैड खुले हुआ है ना, कॉपी कर लीजिए इसको भी और यहाँ लाके क्या कर देंगे पेस्ट, और रीटाइप में भी पेस्ट कर देंगे और क्या कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। देख ग्रीन टिक लग गया पहला पे, दूसरा ऐसे सब लग जाएगा, अगर स्टेप फॉलो नहीं किएंगे तो ग्रीन टिक नहीं लगेगा, तो दो लग गया, लास्ट तीसरा लग जाएगा, अभी पड़ जाएगा, फिर हो गया तीनों पे लग गया। अब क्या कर देंगे सुनिश, अब देखिए पूरा ईमेल आईडी उनका एक्सेस हो जाएगा, अभी अब सब उनका ईमेल आईडी भी एक्सेस होगा ना, देखिए शिक्षा देखो गूगल वेरिफिकेशन बीएम मुझे सब उनका मैसेज इसमें आने लगा, वो रीड भी कर देंगे तो मेरे पास रहेगा, ठीक है। ये सारे एक्सेस कर लिए मैंने इसमें मैसेज को, क्योंकि फॉरेन में या बड़ी कंपनियों में कोई ईमेल आईडी जीमेल यूज नहीं करने देता है, आउटलुक का इस्तेमाल करना है, तो मैं आज ज्यादा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक्सेस करना, इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि कैसे चलाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, आज सिर्फ कॉन्फिगर करना है आपको, क्योंकि मैंने बताने में तो 5 मिनट 10 मिनट में बता दिया, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत आसान है, ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, आई सेटिंग में जाके, ऑल सेटिंग में जाके आईएमपी आईएमएपी और पीओपी के प्रोटोकॉल को इनेबल करना है, फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है, फिर ऐप पासवर्ड वाला ले लेना है, इसको चेक कर लीजिएगा, कोई अगर ईमेल आईडी पहले से लॉगिन हो गई तो हटा दीजिएगा आउटलुक वाले में, और फिर ऐड कर लेंगे स्टेप ना, आराम से फॉलो करना है। अब देखिए इनके सारे मैसेज मैंने एक्सेस कर लिए, ज़्यादा मैसेज नहीं है इनके में, देखिए यही है जो उनके फ़ोन में होगा मेरे में भी, 13-11 का भी है इनका सब, हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब एक्सेस हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहते और भी अकाउंट ऐड करना तो मैं क्या करूँगा, फाइल पर क्लिक करूँगा और यही आपसे मैं क्या ऐड अकाउंट और किसी और का अकाउंट भी ऐड कर लूँगा, सेम प्रोसेस है, तो करूँगा मैं मॉर्निंग में, अभी नहीं करूँगा क्योंकि सुबह बच्चों को भी यही सेम पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे और 12 बजे टॉपिक बराबर चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, तो यही करना है, बाकी डिटेल मैं समझाऊंगा इसके बारे में। देखिए जैसे कि इससे पहले ही इंटरफेस नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हमने एक्सेस कर लिया पूरा उनका इनबॉक्स का मैसेज आल सब आ गया, कौन सा अनरीड है, इनबॉक्स सेंट आइटम आल फोल्डर सब चेक कर पाऊंगा, ठीक है, तो बहुत वो होने वाला है, मजा आने वाला है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो आप सभी को अगर प्रैक्टिकल करना है तो ईमेल आईडी लॉगिन करनी होगी, लॉगिन करके एक्सेस करना होगा, वहां से पासवर्ड लेना होगा, पासवर्ड मिलेगा तभी, और पासवर्ड काम तभी करेगा जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, आईएमपी सारा, क्योंकि ये मैसेज एक्सेस हुआ है तो वहां से परमिशन आपने इनेबल किया है, आईएमएपी पीओपी तभी जाके यहाँ एक्सेस हुआ, वहां से अलाउ नहीं किया गया था कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि मेल सेंड करने के लिए आप इंटरनेट पढ़े हैं ना, आप लोग सर पढ़ाए हैं ना, बताइए मेल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, मेल सेंड करने के लिए, ईमेल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग पढ़ाए ना पढ़ी सर, आप लोग को इंटरनेट पढ़े ना, आप लोग बताइए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है मेल सेंड करने के लिए, बताइए मेल सेंड करने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या नाम होता है इनका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए, और मेल रिसीव करने के लिए POP3 होता है, POP3 बहुत सारी चीजें हैं जानने वाली है, पढ़ते रहिए। तो ये काम करना है आपको, क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है अपने आउटलुक को आपके ईमेल आईडी के साथ, और इसी यही कारण है कि आउटलुक को क्या कहा गया है, ईमेल क्लाइंट कहा गया है, क्लियर है, कर लेंगे क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी का कल बताया नहीं थे, अच्छा हो कर गया,
गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इतना आज की क्लास में करना है।